Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hi guys, welcome back to my channel. Line of the beast. Low sound इसलिए कर रहा हूँ कि यार start होते ही bike गिर गई मेरी. अरे अरे bike. मैं नजीर आधार के screen होएगा. क्यों? ऐसे नहीं ऐसे नहीं ठीक ऐसे नहीं. रुको 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 इधर से. चलो लगा धक्का मारो. एक second stand लगा देना. बच गई. क्यों? चलो चलो चलो. नुकसान नहीं हुआ, खड़े खड़े बाइक गिर गई. पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यार मेरी बाइक में कुछ दिक्कत होने वाली है. और एक सेकंड के लिए स्टार्ट नहीं, मैं डर गया. पीछे भाई आ रहा है अपने, दूसरा हो क्या रहा है यार, पता नहीं अजीब सा हो रहा है. तो मैं कह रहा था भाई बाइक की सवार ऐसा हुआ, शुरुआत होते ही आज राइड की मेरी बाइक गिर गई. ऐसे नहीं कि चलते हुए गिर गई, खड़े खड़े मेरी बाइक गिर गई, खड़े खड़े पेट्रोल पंप पे. वो भी मुझे लग रहा है बाइक की ना मेरे को थ्रोटल बॉडी साफ करवानी पड़ेगी. वैसे वो कावासाकी में एक प्रॉब्लम आती है, उसे कराना पड़ता है, और मैंने वो कराई नहीं है. और सबसे बड़ी गलती क्या करी, जैसे बाइक गिरी थी मैंने ब्रेक दबा दी, जो कि हमेशा मतलब करना ही नहीं चाहिए, कभी ब्रेक भी दबानी चाहिए, वरना वो बाइक ऐसे गिर जाती है. थैंक्स फ्रेम स्लाइडर की वजह से मेरी बाइक को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, 0% डैमेज, इवन एक स्क्रैच तक नहीं आया. फ्रेम स्लाइडर इसलिए ज़रूरी होता है गाइस. पीछे भाई आ रहा है ZX10R पे, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने 10R लिए. हालांकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनकी, पहली बाइक थी एक्टिवा से सीधे उन्होंने 10R पर स्विच कर लिया. दाद देनी पड़ेगी भाई की. लेकिन इनसे मैंने बोला कि भाई हमें देख देख के भगाना मत, मैं खुद नहीं भगाऊंगा आज फादर्स डे वैसे, और मैं बाप बन चुका. आराम आराम से चलेंगे, अभी हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा. ठीक है, वहाँ से निकलेंगे जेवर. और ग्रुप आज अपना थोड़ा अलग है, ग्रुप में जो पुराने बंदे जो पहले वाले ब्लॉग में थे वो ही हैं, जिनमें खाली रुपेश भाई नहीं होंगे, उनको एक छोटा सा काम आ गया. बाकी बहुत सारे बंदे नए आने वाले हैं इस ग्रुप में. लेकिन आज बाइक मेरे को थोड़ी सेफ चलानी है यार. भाई फाइनली डेस्टिनेशन पर हम सबसे पहले पहुँच गए. और ये देखो लोगों का रिएक्शन, छोटे छोटे बच्चे हैं बल्ले, अपने साथ नई वाली टैनारिंग भाई की. चलो यार, इतने सालों में ऐसा हुआ है कि मैं गिरूं, लेकिन देख लो भाई बाइक को ज़रा सी भी खरोच नहीं आई, ये ठीक है बस. और ये हुआ क्या, सबसे बड़ी गलती क्या करी, जैसे बाइक गिरी ना मतलब इधर हो रही थी वो, मैंने ब्रेक दबा दिया, तो उससे क्या हुआ, ये हो गया जाम और बाइक पूरी डिसबैलेंस होकर इधर नीचे आ गई. मैं यहाँ नीचे, बाइक मेरे ऊपर, तो इस वजह से बाइक बच गई क्योंकि मैं नीचे था, मुझे 45 गियर ना. यार हम लोग तो टाइम से आ गए, लेकिन ये लोग ना पीछे पेट्रोल पंप पे हैं. हम मीटिंग पॉइंट वो था मुझे पता नहीं था, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, 8 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो चलते हैं एक बार वहीं चेक कर लेते हैं क्या सीन है. आज बड़ा अजीब सा लग रहा है राइड करते हुए ना, दोबारा मजा आ रहा है. मतलब आज कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कुछ खाना पड़ेगा मुझे. बहन जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सीरियसली, कल जिम जाके बैक कर ली इसलिए मुझे लग रहा है वो दिक्कत देगा. अबे ये है कि इंडियन ऑयल, ये तो बड़ा पास है शायद. नहीं अभी तो 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए. भाई कुणाल भाई खड़े हुए पुल के नीचे, और आज ग्रुप में ZH2 भी है, नेकेड बाइक ZH2 सुपर चार्जर वाली. और सामने है आज ग्रुप में स्ट्रीट V4 भी है, V4 स्ट्रीट, V4 फाइटर, क्या है वो दुगाटी की नेकेट में तो भूल भी गया, स्ट्रीट V4 सॉरी. और कावा सेक्सीज आता है, बाकी स्कैमलर भी है. आगे
फाइनली गाइस यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे राइड करने और सारे आगे निकल गए, क्योंकि मैं जो हमारा नया वाला भाई है जो गाजियाबाद से था उसका थोड़ा ना राइडिंग एक्सपीरियंस अभी कम है, तो उनका फ़ोन आया कि मैं पीछे रह गया, तो मैं भाई का वेट कर रहा था, ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते ना, तो जिनको आगे जाना था वो निकल गए, बाकी हमने सब ने यहाँ पे ब्रेक लिया और भाई भी हमारा पीछे आ गया है। तो मेरे पीछे कुणाल भाई, उसके पीछे हमारे वो वाले भाई जो मेरे साथ आए हैं, ये आ रहे पीछे। अभी चल रहा है जेवर, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको बाइक का सारी आज का लाइनअप हमारा, क्योंकि अभी तो सारे भाग के आगे पीछे हो गए हैं और मैं एम मोड में चला रहा हूँ, इसे एफ में लगाता हूँ। फाइनली भाई आ गए डेस्टिनेशन पे और ग्रुप आज इतना बड़ा है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन बंदा आपके साथ है कौन भी नहीं है। पूरी टेबल हमने घेर रखी है, ये आ गया अपना आज का, ठीक है। ये देखो ये ZH2 सुपर चार्जर, इसमें सुपर चार्जर लगा हुआ है, ये गाड़ी अपनी सेक्सी, ग्रुप आज इतना बड़ा है कि हमें खुद नहीं पता कितने लोग हमारे साथ है, कम से कम 10-12 लोग आए हैं। देखो भाई इस 1000 पे भोले बाबा का वो लगा रखा है और ये भाई 150 के बाद भगवान जी को याद भी करते हैं। भगवान जी को तुम याद कर लो, ठीक है, भगवान ने तुम्हें याद कर लिया दिक्कत हो जाएगी। इनमें से मैंने आपको आधी बाइक दिखा दी, आधी वो दिखा दी, स्टीट अपनी है और ये स्मार्ट सा लड़का है ना, ये भी हमारा है। ये देखो ये रेव करने के चक्कर में लगे हुए भाई यहाँ पे कान फाड़ने के सबकी। और ये कुणाल भाई की खड़ी है टेनार, ये अपने भाई के टेनार, ये अपनी टेनार, उधर भी सारी टेनार अपनी है, आज ऐसा लग रहा है कावा साकी वालों का नहीं कावा सेक्सी वालों का ग्रुप है हुआ है। सो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ गया और गर्मी ऐसी हो रही है कि भाई बता नहीं सकते, मतलब कि अंध की गर्मी हो रही है, अंधगिरी से बोलते हैं, और हेलमेट पहन के तो ऐसा लगा कि भाई जान ही निकल जाएगी। घर यार पानी रख लेना, जिसके पास पानी है उसके साथ। ये जीनोसो नहीं है भाई, ZH2 है वो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जीनोसो है, लेकिन ये ZH2 है। चलो भाई सफान खतरनाक वाली रेंजिंग होगी, हम निकलते हैं यहाँ से।
जा रहे हैं डिफेंस भाई सबसे आगे। ये रहे $10,000 भी अपने ग्रुप के दे दो भैया जी। पूरा ग्रुप की दही तोड़ दी पीछे है सारे। ओ सांस लिया है मैंने, अब गोप्रो ऑन किया भाई, पता नहीं कहाँ है, पीछे बहुत पीछे है सारे। अब देखता हूँ आगे जाके, वेट करता हूँ उन लोगों का, बहुत मतलब बहुत आगे आ गया मैं लोगों से। लो भैया ये तो यमुना एक्सप्रेस वही खत्म हो गया भाई, मैं इतनी जल्दी आ गया इस बार तो भाई, मैंने आधे कर दी अपने आप पे खुद आ रहा है कि भाई अद्दी कर दी। थैंक यू विजिट अगेन। ये लो भाई अब इन लोगों का वेट कर लेते हैं जरा यहाँ पे, पहले आ गया तो पता नहीं कहाँ है लोग, दिख भी नहीं रहा मुझे तो पीछे कोई। यार इतनी गर्मी में कहाँ वेट करूँ इनका, आ तो रही है एक बाइक तो आ रही है। कौन है भाई ये तो जो अपने साथ भाई थे शायद वो आए हैं। हाँ आ गए, चल पर बात आ गया पीछे। और कौन है, टेनर आ गई, सारे आ गए। चलो तो भाई आ गए ये लोग, ZH2 H2 ये सारी आ गई, डुकाटी देख रहे हो ये आ गए सारे। इस बार मैंने दही तोड़ दिया सबसे आगे, मैंने चौड़ा ही नहीं थ्रोटल, मैंने कहा साली राइड नहीं हो रही कि फिर। हाँ सो हार्ले डेविडसन तक हमारे साथ यार, सारी बाइक हैं अपने पास, हार्ले ट्रैम्प फोगाडी ट्रैम्प डुकाटी V4 तानी कौन कौन सी। चलो चलो भाई अब आराम से चलाएंगे हम, अब इसको करते हैं पहले पावर से एम मोड पे। चलो डन, सो भाई मैं वापस से घर पे आ गया हूँ और पूरा बता देता हूँ हुआ क्या था। जैसे ही वहां से निकले भाई, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि मतलब जो पानी की बोतल थी ना वो किसी ने ली नहीं, और जिसने ली थी उसके पास इतना सा पानी था जो कि मैं स्टार्टिंग में पी चुका था। भाई घर पकड़ना ना ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मौत आ गया, इतनी गर्मी। वैसे बहुत सारे लोग राइड नहीं कर रहे थे गर्मी में, बट मुझे लगा कि यार एक महीने से वीडियो नहीं डाली, आप लोग भी बोलोगे ये पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मैं राइड पे गया था। तो भाई न्यूज में दिखा रहे हैं कि अब धीरे धीरे ना ये गर्मी कम हो जाएगी, तो अब हम राइड अपनी स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। और हुआ क्या था सुबह सुबह मैं बता देता हूँ, पूरी रात का मैं जागा हुआ था, एक मिनट में सोया नहीं था, ठीक है। और मैंने क्या गलती कर दी, जैसे मैंने अपनी बाइक की टंकी फुल कराई ना, तो उसने ना मेरे जस्ट सामने कूलर रखा हुआ था, तो उसके लिए मैं बाइक ऐसे काट रहा था ऐसे करके, और जैसे मैंने सेल्फ मारा बाइक हल्की सी आगे करी तो बाइक ने मिस मार दिया। मिस होके बाइक जैसे भारी तो है ही भाई, 206 किलो की बाइक है, ऊपर से टंकी फुल है तो वेट बढ़ जाता है पेट्रोल का भी। तो जैसे ही बाइक मेरी आगे आई ना, तो मैंने गलती क्या करी, मैंने ब्रेक दबा दिया, और ब्रेक दबाने के चक्कर में बाइक खड़ी हो गई और वो एक साइड ऐसे चली गई। और अगर भाई मैं ब्रेक ना दबाता ना तो होता क्या, बाइक सीधी चली जाती और मैं उसे पैर से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ब्रेक दबा के पूरी रुक गई और वो वेट ऐसे आ गया और एकदम से बाइक गिर गई। लेकिन मैंने ट्राई किया था संभालने की, ऐसे बाइक थी तो वो एकदम से हुआ ये कि वो ऐसे नहीं गिरी वरना टूट जाती, तो मैं ट्राई कर रहा था संभालने की, तो वो थोड़ा सा नीचे आगे गिरी तो उसमें एक भी स्क्रैच नहीं आया और टच वुड कुछ भी खराब नहीं हुआ और बाइक भी एकदम से चल गई। फिर मैंने अपने मैकेनिक को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ है, और उसके बाद ना बाइक मेरी सेल्फ नहीं ले रही थी, तो उसने बताया कि भाई ऑटोमेटिक बाइक होती है, और ये क्या होता है जब ये 90 डिग्री से ज्यादा नीचे गिर जाती है ना, तो उसमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक, वो बाइक को ऑफ कर देता है, ठीक है, तो वो एक मिनट बाद स्टार्ट होती है, जो कि हुआ ही ये था। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड, अब अच्छा सा मौसम देखे बढ़िया सी राइड करेंगे इस बार, तो भाई बस ब्लॉग बन ही गया, इतनी गर्मी थी मुझे भी पता है मैंने कैसा ब्लॉग बनाया है। तो गुड बाय, टेक केयर, चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दो, सपोर्ट करो, प्यार दो, बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पे रील डालते रहता हूँ, फॉलो कर लो। और अब संडे राइड जब भी होगी
इस बार ये मेरा मतलब ग्रुप जाने वाले थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मेरे जाने वाले नहीं थे, नया ही ग्रुप था मेरे लिए। ठीक है, दो तीन दोस्तों का ग्रुप था, उन लोगों के ग्रुप में मैं चला गया था। मेरे ग्रुप कोई सिंगापुर गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, तो ये अपना वाला ग्रुप नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो व्लॉग मिलेगा वो आपको अपने ग्रुप के साथ मिलेगा, जो कि सारे हमारे बकचोद भाई हैं, तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। पीछे से ईवा बोल रही है, फॉलो कर लो। गुड बाय, टेक केयर, लव यू।